top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. देखिए ये कार्यक्रम नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है. इसका मकसद है प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी के जो उनका सपना है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 उसको इस टाइम बाउंड मैनर में इंप्लीमेंट करना. इसमें मेरा ख्याल है 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम 3 दिन का है. ये लगातार इसी तरह से उपस्थिति और बढ़ती रहेगी और ये 3 दिन तक कार्यक्रम हम लोग राष्ट्रीय आवास दिवस मना रहे हैं. देखिए वायदा ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर चुके हैं कि सबको 2022 तक मकान देंगे. उस वादे को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं. लोग इस इच्छा से आ रहे हैं कि उनको मकान मिल सके. इसके लिए यहाँ पे पंजीकरण किया जा रहा है. पूरे देश से कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, इंडिया के किसी भी जिले में मकान लेना चाहता है, किसी भी तरह का मकान लेना चाहता है, चाहे वो LIG हो, चाहे MIG हो, चाहे HIG हो, वो यहाँ पे पंजीकरण निःशुल्क करा सकता है. पंजीकरण कराने के बाद कब तक मिलने का आश्वासन है? मोदी जी ने पहले ही आश्वासन दिया है कि 2022 तक सबको मकान देंगे. हम लोग उसी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं. एक डेडलाइन ऑलरेडी डिसाइडेड है. सस्ता हो गए मकान अपेक्षाकृत बाजार के? निश्चित रूप से हम लोग बाजार के आदमी नहीं है. हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो निश्चित रूप से सस्ता होगा. बाजार से तो हम लोगों का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता. बाजार मूल्य से 25 से 50% तक हमारे कास्ट कम होंगे ना. अभी ये काम पाना जरा मुश्किल है. जब तक जमीन की लागत नहीं मालूम हो तो सारी चीज़ बता पाना मुश्किल होता है. जितने भी लोग आवेदन कराएंगे हम सबको मकान दे पाएंगे. यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम इतने ही मकान बनाएंगे. ये DDA की स्कीम नहीं है. सरकार से किसी से आपकी बातचीत हुई है कि अपनी लेवल पर भी काम कर रहे हैं आप? हमारी सबसे बातचीत होती रहती है. दिल्ली सरकार से भी होती है, केंद्र सरकार से भी होती है, राज्यों में राज्य सरकार से भी होती है और सभी लोग इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू कर रहे हैं. सबका साथ है, किसी का विरोध नहीं. करना इसलिए जरूरी है, आप नहीं कराएंगे तो आप लेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा आपको मकान बनाना है? आप अपना नाम नहीं लिखाएंगे तो कैसे पता चलेगा? तो रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है ना. देश में तो 125 करोड़ लोग रहते हैं तो 125 करोड़ मकान तो बनेगा नहीं और जरूरत भी नहीं है. तो कहीं अपना नाम तो दर्ज कराएं और ये निःशुल्क है. भाई DDA की बात DDA से करिए, हमारी बात हमसे करिए. DDA के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते. क्या जी? एक आदमी ज्यादा मकान के फाइन लगा है, उसका क्या तरीका है? हमारे यहाँ कोई भी पंजीकरण कराएगा या ना भी कराएंगे तो हम मकान आपको देंगे. सर मैं चाहता हूँ आगे के प्रश्नों का डायस से उत्तर दें. आपको ये तो बोलो ना, जनता भी सुने. प्लीज आप धन्यवाद. आप सभी